There were now
देखा मतलब तो डॉन भी अपना जो चाइल्ड होता है ना
फादर बोला कर मुझे लग रहा है वो क्या सोचेगी, मतलब बोली क्या समझेगी हमारे बारे में कि हमने कैसे इंसान के साथ उसका मैरिज फिक्स करा। कहाँ पे चले गए हम लोग? व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक अ डम काउ, उसकी मम्मा ने ऐसा बोला उसके बारे में। What will that be? Witless, witless, मतलब बुद्धि, बुद्धिहीन। हाँ तो बुद्धिहीन है ना तुम्हारी बेटी है। तो बोले कि क्या बुद्धिहीन वो क्या सोचेगी, उसका क्या इतना दिमाग चलता है, वो तो बस एक भूमि गाय की तरह है जहाँ पे बेल देके चली जाएगी। मे बी यू आर राइट, वॉन्ट रामलाल, रामलाल को बोला चलो ठीक है कर लेते हैं। ओके, इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड बोली ले अवे ऑन द कोच, के बाहर की तरह साइड में जहाँ पे वो बैठा जो गोली सो रही थी, बट वो सो नहीं रही थी, सब सुन रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, धीरे धीरे उनके पेरेंट्स जो बात कर रहे थे बट वो सुन रही थी, उसे सब समझ में आ रहा था। विशंबरनाथ वॉज अ वालपुर ग्रोसर, करियाना वालों ओके बनिया टाइप ओके, वो वेलपुर था मतलब बहुत सालों से होगा उसका शौक जो वेल। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. वो वेडिंग के लिए आया, बहुत बड़ा मतलब पार्टी बैंड बाजा सब, a brass band playing a popular tune from an Indian film made it procession with the bridegroom riding a decorated horse, मतलब जनरल जो पहले के जमाने की शादियां थी आज भी वैसे वो चीज तो सी नहीं है, घोड़े पे बैठ के आता है और आगे बैंड बाजा सब मतलब नाचते हैं as usual, इस तरह से आया। मतलब कितनी अच्छी बोली, देखो बोली सच में बोली थी, उसे सब पता था, फिर भी उसने मतलब एडजस्ट करना सोच लिया कि ठीक है चलो। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, सब मतलब हवाबाजी सब देख के उसे बहुत खुशी हुई कि देखो हमारा कितना अच्छा मतलब दावत। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ऐसी डॉटर का इतना ग्रैंड वेडिंग होगा। बोल इज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वेयर एंड्रियस फॉर ऑफ हर लक, और बोली के लक के ऊपर वो जेलसी फील कर रही थी कि देखो उसकी बैंड बाजा बारात सब देखने लायक है, मतलब इतना गॉर्जियसली किसी की मैरिज नहीं हुई थी उनके घर में, तो उनकी जो सिस्टर थी बोली थी तो सब थोड़ा जल गई थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Okay, फिर वो moment आया जब बुलाया कि कन्या बुलाओ, कन्या को मंडप में बुलाओ ऐसा। बोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire, जो वहाँ पे हवन कुंड होता है उसके बाद में बैठ गई। बोली ओके गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, अब दुल्हन के गले में वो माला डालो ऐसा बोला उसके फ्रेंड। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, ले रोज नहीं था, रोज होता है नहीं, जनरली हार में तो गुलाब का ही हार होता है, ये क्या मैरीगोल्ड मतलब जारी कर दिया गोटा कल गोटा लाए, उसमें तो वो तो चीप टाइप लगता है आज की डेट में, तो ऐसा है मोती और होता है ना। ओके तो उसने लिफ्टेड गार्लैंड, ओके अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेट फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बोली तो यूं मतलब थोड़ा घूंघट डाल के बैठी थी तो पीछे से मतलब वो वरमाला डालने के लिए उसने किसी मतलब लेडी ने पीछे से वो सारी उसकी थोड़ी पीछे की है उसका फेस दिखा। दिसंबर टुक अ क्विक ग्लांस, एक नजर डाली उस पे, द गार्डन रिमेन पोएसिंग इन हैंड, और हाथ में ही रह गई क्योंकि पूरे दाने 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 जैसे जो निशान थे वो मार्क्स थे उसके पूरे फेस पे, तो थोड़ा बेचारा बुढ़ा भी थोड़ा वो डर गया, डर नहीं मतलब थोड़ा शॉक। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन अ वेल ओवर हर फेस, बोली ने पूरा उसका फेस पूरा वो कवर कर लिया।
Have you seen her? Said December to the friend next to him. December ने उसके friend को बोला कि तुमने इसे देखा? She has pockmarks on her face. पूरे दाने हैं चाखे चाखे मतलब ऐसे pockmarks से उसके face पे. So what? You are not young either. उसके friend ने बोला कि तो क्या हुआ? तुम भी थोड़े जवान हो मतलब तुम भी तो बूढ़े हो तो ये young है तो तुम old old age वाले हो. Maybe but if I'm to marry her, her father was giving 5,000 rupees. अगर आप लॉक आते हैं तो उसने बोला कि maybe हो सकता है but फिर भी हमने इससे शादी कर दूँ तो उसके मतलब बदले में उसके फादर को मुझे 5,000 रुपीज को देने पड़ेंगे. रामलाल बैंक एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट डिसम्बर स्ट्रीट. ये बहुत देखा गया है नहीं कि भाई वो जो बकरी होती है वो यूं उतार के उसके पैरों में रख देते हैं मतलब कि एक तरह से कि ये मेरी जो क्या है मेरी इज्जत है वो अब आपके हाथ में नहीं पैरों में है ठीक है ना. तो या तो फिर आप उसे इंसल्ट के फॉर्म में ले लो या तो फिर उसे बचा लो. तो रामलाल ने ऐसा ही किया कि भाई आप अभी शादी कर दो मैं धीरे धीरे दे दूंगा आपके जो भी पर अभी मेरी इतने गाँव वालों के साथ पहले तो आप अपने पैसे वापस ले लीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू
The guests began to whisper, "So shameless, so ugly, so shameless." सच में हमारे मतलब इंडिया में तो है ऐसा कि कुछ भी मतलब लेडीज के लिए बहुत ज्यादा रूल्स है, जेंट्स के लिए इतने नहीं। एनीवे इसके ऊपर तो बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है, पर मेरे सामने कोई है नहीं तो वो बात नहीं करनी है, मजा नहीं आता है। ओके क्लास में हो तो कोई बात हो। ओके तो अभी उसमें लोगों ने बात करना स्टार्ट कर दिया, हाँ कितनी शेमलेस से देखो ये वो कितनी अगली है। बोली आई क्रेजी शाउटेड रामला, अरे पागल क्या हो गया तुम, पागल हो गए हो, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने फैमिली का मतलब शर्मिंदा करना चाहती हो, हैव सम रिगार्ड फॉर यू फॉर आवर इज्जत, तुम्हें कुछ है दया इज्जत का, और द शेप ऑफ योर इज्जत से बोली आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैंड मास्टरपीस। जब कोई आर्टिस्ट अपना मास्टरपीस बनाता है
उसके बाद उसकी आईज के अंदर जो सेटिस्फेक्शन होता है, ऐसा सेटिस्फेक्शन टीचर ने फील किया कि यस मैंने इतने सारे बच्चे को पढ़ाया और ये मेरा मास्टरपीस है, बोली ओके दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी।